अब तब 3 लाख का सूर बेचे रेडी जावेगी ये बच्चा है सूर सूर तीन अब तब 3 लाख की गाड़ी बना। अच्छा नमस्कार, मैं अजय। तो आज की सर्वे का टाइम है जी हमारा 6:45 बजे, यानी 3 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है, लेकिन तब के तो बात बनेगी और तब के ये चुनाव चल रहा, चाहे नेताओं का हो चाहे वो कार्यकर्ताओं का हो। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बाड़ना अलका जी, जी डिप्टी सीएम जिशन चौला जी, माता जी नैना चौला जी का अलका, और ये उनका कार्य क्षेत्र था, यानी क्षेत्र है। और जी यहाँ से अब की बार फिर चुनाव लोकसभा के 2024 के लिए, तो बाढ़ अड्डा से सर्वे करने का काम करूंगा कि आज बाढ़ अड्डा के अंदर की लोगों की व्यवस्था है क्या, बोल रही है अपने नेताओं के लिए, और किस पार्टी को अब की बार कहीं ना कहीं रुझान देखा जाएगा, किस पार्टी की तरफ अब की बार लोगों का रुझान दिख रहा, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है और यहाँ पे सभी किसानी करने वाले लोग हैं। तो आगे आगे जी आगे में यहाँ शुरुआत मेरी आज यहाँ से है, सर छोटू राम किसान भवन बाढ़ अड्डा। तो ये मेरे ख्याल से कोर्ट परिसर का वो वकीलों का चैम्बरों का, इनसे आके बात कर लेंगे। पहले बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो दो बात करने का काम यहीं से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से अब की बार नेता चुनने का काम होगा। तो जिस प्रकार से ये हाल की बात है, किसान भवन बाढ़ में नवनिर्मित 2 कमरों का उद्घाटन श्री धर्मवीर सिंह माननीय सांसद भिवानी मंत्री लोकसभा और श्रीमती नैना चौटाला माननीय विधायक बाढ़ के कार्यक्रम द्वारा ये समस्त ग्रामवासी बाढ़ में बनवाया जी। यहाँ पे फिर आगे से वो किसान भवन है और माननीय यहाँ पे वर्तमान के सांसद धर्मवीर ने इसका भी उद्घाटन किया हुआ है। तो यह पंचायत है, अब इसको ओके पंचायत को या बुजुर्ग पंचायत को, लेकिन आज इस पंचायत के अंदर भाप लेने का काम करूंगा कि आने वाले वक्त में चुनाव का क्या माहौल बनने जा रहा है आपका बाढ़ रहा अलकत है। नमस्ते। कैसे है आप सब मीडिया वालों को भी नमस्कार, धन्यवाद। जी अब की बार का चुनाव का क्या माहौल बनेगा? अब की बार का तो साफ साफ दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चलने का कोई कारण है? कारण यह है किसानों को रोजाना तंग करना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना और कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करना, आशा वर्कर पर लाठीचार्ज करना, रोजाना इतना परेशान कर लिया जनता, कोई भी चाहे किसी प्रकार का वो हो सबको परेशान करके रखा है, इसलिए लहर कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की चल रही है तो जूते काट के भी अंदर आ जाऊं बहुत जरूरी है क्योंकि बात करने का टाइम आएगा। तो नमस्ते। चलो नमस्ते। ये नाम है मेरा धर्मपाल जी। तो अब की बार चुनाव हो, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, के किन मुद्दे रहेंगे आम आदमी के? ये जमींदार और पीछे चलो बोलो और बोलो और बोलो बीजेपी से तंग आ जाए किसान है, इनका सरकार बदलनी चाहे। तो जिस प्रकार से साहब आपके हल्के की बात करूं तो नैना चौटाला तो विधायक है ना, और सांसद की बात करूं तो द्रविड़ चौधरी सांसद है, और आपकी जो बढ़ रहा हल्के की मांग है, जो आप आदमी बैठे हैं पंचायत में, ये कोई राय अलग पकड़ के खड़े हो बाबा? हल्का मांग क्या करेगी, जिस तरह केस है सरसमंडी पड़ी है। अच्छा। वह खंड दी हंड है। अच्छा फिर सरकार का एक काम सही है। दूसरी बात यह है, एक और सुनी थी इवका भाई सरसम घेर तो चाहे तुला नहीं की ना उठान नहीं हो कोई इतना किसान की रहेगी, जब किसान ने घेरे दी मंडी में तो किसान की कैसे रही है? ये जो सन एक न्यारा मुद्दा यो जो सन न्यारा है, इलेक्शन तो मुद्दा हमने मुद्दा है बाढ़ तो नहीं मारती सरसम को उठी। हाँ सरकार ने भाई खराब माटी करी और के मुद्दा अपन मुद्दा क्या होता भारत भैया सरसम इन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ये बात नहीं करते। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना, इनको पास कोई मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का, इसलिए इनकी बिल्कुल इनकी सरकार जानी है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आनी है, ये 150 से पार नहीं करेंगे। मेरी शुरुआत है बाढ़ हल्के के शहर से, अब जिस प्रकार से मिलते रहेंगे मैं बताने का काम करूंगा, लेकिन इसकी बात करूं पंचायत भवन की तो यहाँ पे सारे कांग्रेसी माहौल देखा जांच का है। बाबा नमस्ते। हाँ जी, आज बाहरी विरुद्ध भाजपा से अंतंग कर लिया, तो कितना थोड़ा बढ़िया गणनायक हो
अरे आपका मुंह तो को नहीं कही के तो हरियाणा में जुलम पड़ा भाई इससे तक पाया वोट गया कांग्रेस था मेरी झूठ प्रधानमंत्री होते हुए झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। आपके विचार ये पूरे बड़े डाके बनेंगे आपके गांव के बनेंगे या फिर कुछ गिने चुने लोग रह जाएंगे ना पूरा लड़का को पूरा लड़को सारो देश है कांग्रेस कांग्रेस कर उल्टी बनती है। हाँ जी उल्टी उल्टी हाँ इनका टाइम है उल्टा आ गया कांग्रेस की बात समझ में आई अपने कांग्रेस तो दादा राय से देगी और धरना नहीं चलने दे कांग्रेस दो दिन तीन दिन धरने को धरने दे चौदह महीना था जो टीकरी चार महीना था जो नगर पालिका को और वे दो महीना था जो मुआवजे को तो उड़े धरना है धरना रहा ऐसे पता करा कि कमाई खावा के धरना पर बैठे रहा बात क्या रहेगी इसलिए बदलाव करोगे बदलाव को पक्की जान में सिर्फ आगे मालिक जाने अलग आगे मालिक जाना है जी नमस्ते ना जी मालिक के हाथ में सपोर्ट करें ये जाने मालिक के घर इल्ला करते कि तो मालिक के वोट करेंगे वो जानेंगे वोट करें ये जाने इसमें मालिक खर्च आ गया हाँ मालिक मालिक अरे मालिक का कम करता होती है करें कौन है मालिक का करता होता करें को राम की दास की तेज का हवा हो रहा है तो मोदी जी का है राम राज्य आ गया सारे काम हो गए तीन सत्ता तोड़ दी मोदी का था वन किसाना कर जमींदारा का था कौन है मोदी का आगो रामराज मोदी का आगे रामराज लोगों का नहीं आया लोगों का था कौन लोगों का तो जी कुछ आराम कर है नमस्ते बैठो बिल्कुल दो मिनट राम जी अल्लाह तो बताओ अपना नाम बता दो राम जी नाम मेरे भूपसिंह दलाल दलाल साहब अब की बार भारत के हम वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट आ रहा दलाल साहब क्या माहौल बन रहा है क्या माहौल नेताओं की बत्ती से आ रहा है माहौल तो फिलहाल तो कांग्रेस की लहर चली हुई है क्योंकि हमें इतना मजबूर कर दिया किसान वर्ग को इतना मजबूर कर दिया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हम जाए तो जाएगा हर किसान 50 लाख 20 लाख 30 लाख का कर्जदार है हम वो फसल हमारी टाइम बिकती नहीं मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं कहाँ है 400 पार झूठ बोल रहे हैं वो सुबह उठते ही झूठ बोलता है रात के 11-12 बजे तक झूठ बोलता है लगातार झूठ बोलता है झूठ बोल के उसने गद्दी हथिया ली और वो तानाशाही राज करना चाहता है अंग्रेजों की तरह कंपनी बना रहे हो और अगर अब की बार मोदी आ गया तो फिर कभी भी चुनाव नहीं होगा इस देश में जिस तरह अरब कंट्री में है राज है ना इस तरह हिंदुस्तान में राज और मरवा हमारे वो जो वैक्सीन चलाई थी ना वो जनसंख्या हिंदुस्तान की कम करने के लिए मतलब वो उसमें वो जहरीली दवाई है जिससे बड़े बड़े नौजवान बच्चे मर रहे हैं हार्ट अटैक से उससे उसे कोई सुनाई नहीं हमारे 750 किसान बॉर्डर जो मार दिया आज तक कोई सुनाई नहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे नादान बच्चे अबोध बच्चे इनके बारे में एक शब्द मोदी ने अमित शाह ने खट्टर ये खट्टर कहाँ का है पाकिस्तान का पाकिस्तानी खट्टर ने एक शब्द नहीं कहा ये हमारे ऊपर 10 साल क्यों थोपे है खट्टर हरियाणा में कोई और था नहीं सीएम के कबल इसलिए जुलम किए के बगैर सिर्फ आप किसने मान लो तो बढ़िया सीम भाजपा में भाजपा में कोई सीम लायक है नहीं सभी गद्दार अगर इनकी सरकार बदली होगी ना तो ये तकरीबन 70% विदेशों जाएंगे यहाँ नहीं रुका कोई भी अपने झोड़ा झंडी उठा के पहले ही मकान लेके छोड़ रखे विदेशों में इतना धन भर रखे है यहाँ रहेंगे नहीं ये विदेश में रहेंगे जो रहेगा उसके उसके पीछे ईडी लगा के सारे वालों से बरामद क्रेज है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी में चुनाव का क्या माहौल बन रहा चुनाव का माहौल ये है जी सब लोग इस पोर्टल से दुखी हैं किसान खेती बचाओ पोर्टल हटाओ देश का यो इनारा है आप सभी बैठे हैं ये अलग अलग गांव से है या एक गांव से मेरा गांव अलग है इनका अलग है वो प्रधान जी ये जिला प्रधान है किसान उनके ये भांडवा गांव से है ये हुई गांव से वो मौत गांव से वो कारी गांव से ये वो तो अलग अलग गांव से अलग अलग गांव से यहाँ हर 30-40-50 गांव के अलग अलग किसान अलग अलग जी अलग अलग ये मुद्दा हम तो पोर्टलों की सरकार से दुखी है जी अच्छा मैं तो ऑनलाइन से दुखी है एक आदमी तो घर का जोड़ा काखमर जुटी हाथ में नहीं जाओ ये बुराई को नहीं हो कदे किमें लागू करनी है पोर्टल हटाओ खेती बताओ
कांग्रेस के विरोध का आने वाले कैंडिडेट को वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी, जिस भी कैंडिडेट से बीजेपी आ रहा है उससे। नमस्ते, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि अब की बार की चुनाव की क्या लहर बन रही, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे। देखो 400 पार के बारे में तो आपको मैं बताऊं, मारा एक कुर्सी बेचना हो सर रोड पर, सुबह देता है 400 की सारे दिन, अच्छा आखिरी में 150 ही दे जा। 400 पार का सब मामला ये, और ये भाई जो 70 गांव का से इस्तीफा तो हो रहे न बताई से, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये इनकी रास है नवाए नहीं इससे फालतू। अच्छा, तो आज की कुछ नहीं, तो आज की या राह है, आज की जो बात है, तो ये बात वोटर में तब्दील होगी, ये पूरे गांव की आवाज बनेगी या किस तरह बनेगी बाबा, क्योंकि न तो सारे उठ रहे बाबा। ये मतलब करीब करीब ये 40 गांव का आदमी बैठे, ये गांव की आवाज है, गांव की आवाज है। बाड़ा की बात तो कही जाती है कि धर्मवीर भी अपना मानता बाड़ा हल्के को, वो कोई छत्रवाद कोई टाइम था, वो टाइम था छत्रवाद का कोई मतलब नहीं, मैं जातिवाद का इसमें, अच्छा या तो जनता की, जनता की हवा बदली, अबे हवा रावदान सिंह के आने से बदली है या कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हवा बनी है, ये दिखाओ, ये दिखाओ शहीदों को, शहीदों की, ये हमारे ही बच्चे थे, हमारे बच्चे, हमारा खून है, हमारा खून है, धर्मवीर से कोई एतराज नहीं। अच्छा ये दिख, इसके ऊपर मोदी ने खटने एक शब्द नहीं कहा, 750 किसान हमारे बॉर्डर पर मर गए, धर्मवीर से बैर नहीं है, जो पार्टी इस बीजेपी को हराएगी हम उसका साथ देंगे। नमस्ते सर, राम सोलिए, तो अब की बार बैठने से क्या माहौल बनेगा, क्या माहौल बदल रहा, क्योंकि नेता है जो लल्ला चौटाला जी है वो भी कहती है कि मेरा हल्का है, मेरा घर है, मेरा समुदाय है सारा, दुष्यंत का है, यह बात दुष्यंत भी कहते हैं, अजय चौटाला भी कहते हैं, धर्मवीर भी कहते हैं, सारे नेता कहते यो मारा है, तो ये मारा ने कितनी तरक्की कर ली, अब की बार वोटर है वो किस उसके वोटर। देखो वोटर का जो सवाल है, वोटर तो साइलेंट है, कुछ एक वोटर ऐसे है जो खुल के बोल ले, मोदी के प्रति कोई ऐसी गलत भावना नहीं है। अच्छा, देश में विदेश में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोडों का जो है जाल बिछा दिया, ये थोड़ा सा कागज को कुछ कार्रवाई जो लगा देते हैं, ये आईडी लिया, ये लिया, वो लिया, उससे हम थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं, और बाकी जो है ना मोदी सरकार अच्छी सरकार है। तो अब की बार आपके हिसाब से मोदी सरकार आनी चाहिए या फिर कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार? देखो जी, यहाँ जो मुकाबला है ना दोनों का बराबर से चल रहा है, इतना हम जो सर्वे नहीं कर रहे कि बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, टीवी के ऊपर देख लेते हैं समाचार, तो जो है ना मोदी जी बोल देता है, जिस प्रकार से 40 गांव के आदमी बैठे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं हम कांग्रेस उसको वोट देंगे जो मोदी को हराएगा, तो इस बात का कोई फर्क पड़ेगा या फिर ये बात हवा में रह जाएगी? नहीं, हवा में रह गई, हवाई फायर है, सारे हवाई फायर है, हवाई फायर। भाजपा का जीतेगा ऐसे कुछ, भाजपा का जीतेगा वो जीत का कारण बाबा क्या रहेगा फिर? हाँ जी, जीत का क्या कारण रहेंगे? जीत के कारण मतलब अच्छा आदमी से कारण काम बढ़िया करता है। ये मैं बताऊंगा आपने, मैं बताता हूँ इसकी, आपने इसका लड़का चेयरमैन है, इसको ये हो जाए एक्सेसमेंट हो जाएगा तेरा लड़का, तू अगर भाजपा के खिलाफ बोल जाएगा तो। हमारा देश पहले गुलाम था, बाद में आजाद होया, उसके बाद अब फिर गुलाम है, दो आदमियों के पूरा हिंदुस्तान गुलाम है, उसके श्यामी बोल रहे किसी सांसद की, हम यहाँ से सांसद बना के भेजते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो हमारे आवाज उठा दे वहाँ, तो उस सांसद को हम बढ़ा के क्या करेंगे? बीजेपी का वोट तो कौन कैसेगा? पुलिस में रेड़ा आदमी सब, इसका भय बैठा रखा है बीजेपी ने, इसका भय बैठा रखा है, पेंशन कार्ड नहीं, इसके पेंशन कार्ड नहीं, इसका भय बैठा रखा है, 500 आदमी संसद में बैठते हैं, तो इसके तो भाई बैठ रहे हैं, उसे एक आदमी संसद में बोलते हैं,
आदमी तो डरता है, चालीस गांव की बैठी पंचायत है तो जो जो भाईचारे की आवाज रहेगी वह बनेगी या फिर मोदी लहर की बात बनेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका तो भय बैठ रहा है, इन भाइयों ने चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन खाना खाए बगैर आता है। अच्छा, इसके कदे बैठ तो फौरन चेयरमैन नीचे हटा दी। विचार के अपना विचार है वोट कांग्रेसी, लेकिन भय आपका बेटा चेयरमैन है, वो क्या क्या चेयरमैन है बीडीसी, तो वोट तो उसने लिए होंगे। वोट तो इसी भाईचारा ने दिए होंगे आपको वोट तो। हाँ, ये भाईचारा है, देना है। आज भाईचारा की और गंगा में बैठे है और आप कोई और गंगा में बैठे हो। हम इसमें दंगा तो नहीं कर रहे, नहीं दंगा बस नहीं, गंगा यानी आप कोई और किस्ती बैठे हो और ये कोई और किस्ती बैठे है। नहीं, ये किस्ती यही है। अच्छा, किस्ती इनकी यही है, किस्ती आए है। ये शर्मा रहे, ये शर्मा रहे है, थोड़े से इस डिबेट से शर्मा रहे है। शर्माओ किस्ते भी है, शर्माओ ये एक दूसरे से। ये तो भाई मैं कांग्रेस का वोट दूंगा, ये बीजेपी का देगा। आप कौन शर्मा बाबा? ना मैं नहीं, तो आप कौन शर्मा? ये क्यों शर्माओगे? बीजेपी के वोट, ये पीछे बैठे बीजेपी, ये खुद बीजेपी, वो बीजेपी, वो बीजेपी, बीजेपी है। ये दो दाल से पंचायत पंचायत में है बाबा, मत बीजेपी एक मिनट पूरे काम का ये कितना आदमी सब टांग तल के लिखट जाए, इसमें बीजेपी पा जाए तो पूरा ये कितना आदमी है इनका सब टांग तल के लिखट जाए अगर इसमें बीजेपी पा जाए तो। आप इससे पूछ लो ये ले बता दी, ये आदमी बैठा है। आप बता बाबा ये क्या है? भाई मैं तो जामुन कांग्रेस सच्ची तो मेरे लुईस है। छोड़ो चेयरमैन से उठ रहे सब चीज है, कभी हिंडी लाजी भाईचारे की आवाज है, वो कुछ और बोल रही है और हवा में बह रही है। ये थोड़ी सी देर में उठे आ जाए, बरसाती मेंढक है। अच्छा, अरे ये मौसमी मेंढक, ये बरसाती मेंढक है, ये मौसमी मेंढक है। कहता कुछ और करता कुछ है, ये लोग पूरा तो बोल दिया। अब तब 3 लाख का सूर बेचे हिंडी जाएगी, ये बच्चा है सूर सूर 3। अब तब 3 लाख की गाड़ी बने। अच्छा, तो इंडिया तो बड़े व्यापारी है, तो बड़े व्यापारी है, धंधा करना तो जी कोई बुरी बात नहीं, हम चोरी जारी तो नहीं करते। टैक्स दे रहा क्या? इसे कुछ टैक्स दे रहा? हाँ टैक्स, और लग रहा कहीं भी टैक्स दे रहा है। ये लोगों के विचार थे, लेकिन जहां तक बात की बुजुर्गों ने मेरे बताया काम किया कि ये 100 पार एक कुर्सी बेचना हो सा अपने चौक पर रोज आना, सुबह पूरा दिन 400 की कुर्सी 400 आखिरी में 150 की दे जा। और क्या गे क्या कह गया जी, तो 150 जाके अटका दे 400 पार का। ये जो आदमी है ना जी, ये एक परमानेंट आदमी है धर्मवीर का। अच्छा, उससे प्रेरित परमानेंट आदमी है ये, जो परमानेंट आदमी है प्रधान जो है ये आपके पीछे बैठे है। अच्छा, ये परमानेंट आदमी, ये धर्मवीर का परमानेंट आदमी है, परमानेंट आदमी है, वोट डाले वोट खाते थोड़ी है, वोट हमारी मर्जी का है। परमानेंट बढ़िया के तो सुना एक राखे है परमानेंट। धर्मवीर में सांसद, धर्मवीर सांसद एक नंबर को, धर्मवीर की कोई गलती को यानी अब की बार तो भाईचारा देखो नहीं, वोट वहां देंगे जहाँ पे आपको शहीदों को हुए कठा भेज दे मोदी दौड़ जाओ, हम तो भेज जाए कौन है टाल करा। अच्छा, हाँ ये मामला है, मोदी दौर हारे हमारे, मोदी दौर हार जाओ जो मोदी क्या करा हो इसको क्या हम चाहिए मोदी भाई, यो हारे हमारे मोदी ने क्या हम चाहिए। धन्यवाद आप सबका। उन्होंने कहा कि मालिक टूम यह है तो टूम ते बात पुलिस दिखा है। नमस्ते नमस्ते, क्या ज्ञान है? करीम है, ठीक से। तो क्या चुनावी माहौल बन रहा है भाई? मोदी को से विरोध है और धर्मवीर का पर्सनल वोट से वगैरह रहेगा।
जो धनबीर के पर्सनल वोट है वो धनबीर का जावेंगे, तो मोदी का विरोध है, तो जो मोदी का विरोध है यो पर्सनल वोट ने कितना अच्छा देगा और कितना फायदा हो जाएगा? न्यू कौन बेरो कितना फायदे हो जाओ, नुकसान कितना हो जाएगा? नुकसान तो होएगा, नुकसान हो जाएगा। गलत कम से जो गलड़ी साल में आए थे ना हमारा एरिया में हर गांव गए उससे कम से गांव गए। और गांव कितने हैं बाड़डा में? बाड़डा में तो ब्लॉक में से 50 है। और एक सौ अलका कितने हैं? अलका वो तुम लंबो छोड़ो कौन बेरो में लंबो छोड़ो बेरो कौन है? 110 है। हां 110 गांव तो 110 के 10-10 गांव में टूट में होगा। कारण भैया गर्डी 5 साल में इसने को सहयोग है कौन करियो? अच्छा जो कारण रहेगा। हाँ 10 किलो तो यूरिया घटा दी कट्ठे की। अच्छा डीएपी घटा दी। हाँ रेट बता दियो। अच्छा जो हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है वो लिया की छोड़ो आते सरता नहीं उठी उसकी है। अब उठियो बताओ आप 10 साल की योजना में और जितनी भी मतलब ये कर सकते सब मैं मेरी बताता हूँ। मैं सीएम वीडो ने अपना हरियाणा की सबसे बड़ी चीज मानते हैं। मैंने 10 बार मतलब गेरी एसियम वीडो एप्लीकेशन कोई सुनाई को नहीं हुई। उसमें यहाँ में तहसीलदार ने कही बोले भाई तेरी तो ऑनलाइन काट दी। अच्छा पर 3 भी गम बाजरो दिखा दियो। 3 भी ग्राम बाजरो दिखाने के बाद में मैं फिर दाग जाके करी एसियम वीडो में वो मैं दिखा दिया भाई तेरे तो 5वें महीने की 1 तारीख 23 को उसने दिखा दिया कि आपके खेत में जो सारी कपास थी जब 2022 का कपास का उदाहरण मिला तो वो भी कौन मिले और फिर मेरी जमीन भी सारी साफ दिखा दी। तो किस सरकार काम कर रहे है हम काम भाई खुली को वाले और मैं सारा रोल युवा खातर दलाल से मैं कह ली थी तो धर्मवीर आओ जिस लोग बैठे जिस 20 साल आगे कह लीजिए मेरे सर पर आया सारा और मेरे को नहीं उस चीज की मेरे को सबूत है। मैं पत्रकार जितने सारा ने बताई थी। धर्मवीर ने बारडे से नफरत है तो वोट दे नहीं रहे धर्मवीर को। बारपुर जो बारडा बारडा बिल्कुल नाराज है कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है पूरी पूरी तो जिस पार्टी जिस पार्टी का एमएलए नैना टेक्नोलॉजी हूं पार्टी से खड़े हैं देख लिया हमने। हमने बीजेपी एंटी बीजेपी वोट किया था। अच्छा और लेकिन वो बीजेपी के पास चले गए। हाँ तो इसलिए लोगों में रोष है। अच्छा ये समस्या है। अच्छा इसलिए जेजेपी को वोट नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए जेजेपी को नकार दिया। हाँ जी तो अब आपके बचा क्या फिर पास ऐसा है कि अच्छा तो हाँ है? और कोई जगह है कोई नहीं गिरने जगह ही नहीं तो करें क्या? और मन के का है आपका मन कोनी मन का है मोदी के खिलाफ अन को और जो बात है कोई का नहीं कोई है। किसान आंदोलन के बाद हम इस पार्टी से उग चुके हैं। यो अलका छाला किस किसान को टिक रहा है? बिल्कुल जी पूरा अलका देख लो आप। और कोई या नहीं तो कोई उद्योग धंधे है नहीं और कोई रोजगार की व्यवस्था है केवल और केवल किसान है यहाँ पर। किसान है किसान का मन यो है। हाँ जी किसान का मन यो है पंचायत करता है कोई और भी बतावा के। चलो जी धन्यवाद आप सबका।